हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आज फरवरी लास्ट ख़त्म ही होने वाला है। मेरे सीट्स थोड़े लेट हो गए हैं, लेकिन मैं उनको आज लगा रही हूँ गमलों में। और ये मैंने 24 घंटे के लिए भिगा दिए थे पानी में, और मैं अब इसको लगाऊंगी। इसे मेरे घिया के हैं, करेले के बीज है, तोरी के हैं, ककड़ी के हैं, सीताफल के हैं। घिया मैंने गोल घिया भी है और बड़ा लंबा वाला घिया भी है। देखिए देखिए इस टाइप का ये गोल है, और ये है मेरे लंबे वाले घिया के हैं, और ये मेरा करेला है। ये मैंने 24 घंटे के लिए भिगा दिया था, मैं आज इनको लगा दूंगी। मैंने इसमें गमले तैयार किए हैं, इसमें कुछ नहीं है, सिंपली मेरी मिट्टी और खाद से तो बनती है, मिट्टी मेरी तैयार होती है। इसमें मैंने थोड़ा सा कंपोस्ट और मिलाया है, और इनको मैं इन सब में लगा दूंगी। ये मेरा तोरी का है, इसको इस तरीके से लगाना है। बड़ा है थोड़ा गमला, तो इसमें चार डाल देती हूँ सीडलिंग, इसमें ताकि याद भी रहे कि इसमें तोरी का है। इसमें मार्क करने पड़ेंगे और लिखना पड़ेगा मुझे। इससे मैंने तोरी का लगाया है, ये वाला है, ये भी बड़ा है। इसमें भी मैं ये मेरा ककड़ी के डाल देती हूँ, ताकि इजीली मेरे इसमें से निकल जाए। इसे तो नर्सरी में भी लोग जो ट्रे में तैयार करते हैं वो भी अच्छा है, बेस्ट है। आप अंडे का जो ट्रे आता है उसके अंदर भी तैयार कर सकते हैं, ताकि इसको फटाफट निकाल के आप ट्रांसपोर्ट कर सकें। मैं ककड़ी का डाल देती हूँ इसमें, ककड़ी के बीज मैंने, ककड़ी सॉरी ककड़ी नहीं है, ये खीरा है। ककड़ी के तो मुझे मिले ही नहीं यहाँ पे, मैं खीरा के एक ही में डाल देती हूँ। इसमें से कितने लगेंगे, कितने आएंगे और कितने नहीं आएंगे, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, ताकि ये होता नहीं है कि सारे के सारे बीज आपको मतलब निकल आए, सारे बीज कुछ रह ही जाते हैं। इसलिए मैंने सारे ककड़ी के डाल दिए। ककड़ी के मैंने 5-6 बीज डाल दिए, ताकि कुछ मरेंगे भी तो कम से कम 2-3 तो रह ही जाएंगे। इसमें ये बीन्स के डाल देती हूँ, इसमें 2 ही डालती हूँ, ताकि मुझे भी पता लगे। ये बड़ा है, इसमें ये घिया के मैंने कुछ आधे भी गाए थे, यदि निकल आएंगे तो। इसलिए फ्रेंड्स वगैरह मांगती हैं मेरे से, यदि हो गया निकल आए मेरे तो उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने विंटर के भी काफ़ी उनको दिए हैं। ये बीज मेरा गोल वाला घिया है, इसको मैं एक में 2 लगा देती हूँ और इसमें निशान लगा दूंगी। ये है, एक में 2 लगा देती हूँ, गोल वाले घिये है मेरे। इसके मेरे 4 भिगा दिए थे, 4 में भी एक भी निकल गया तो मेरा तो काम होंजन बन जाएगा। तो घिये के हो गए। अब आ जाइए करेला,
करेले का भी एक में दो डाल देती हूँ। इसमें करेले के हो गए, दो करेले के हो गए, दो ये गोल घिया के हो गए, इसमें निशान लगाना पड़ेगा। अब मेरे रह गए हैं, इसमें इस पर पानी डाल देती हूँ। अब मेरे रह गए हैं सीताफल, ये है सीताफल, ये भी मैंने चार भिगाए थे। दो इसमें लगा देते हैं, दो इसमें लगा देते हैं। मिट्टी तो ऑलरेडी तैयार है, कुछ तो लगेगा। ये सीताफल हो गए, ये मेरे घिया के लंबे वाले घिये के मैंने एक्स्ट्रा भिगा दिए थे, चार इसमें लगा दिए, सब में लगा दिए। बाकी वो एक्स्ट्रा मिट्टी तैयार कर रखी थी सीड्स के लिए। अब मैं इनमें पानी डाल देती हूँ। जब तक इसमें पानी डालने का बीज नहीं आते, सीडलिंग नहीं होती, तब तक इसको छाया में रखूँगी। यहाँ धूप थोड़ी कम आती है, ऐसे इसको कवर करके भी रख सकते हो, किसी भी चीज़ से कवर भी कर देंगे तब भी बेस्ट है, बट मेरा कवर नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही रखती हूँ। इन सब में पानी डाल दूँगी, खूब सारा पानी डाल दीजिए क्योंकि मिट्टी पूरी नीचे तक सूखी हुई है। पानी डाल के इसको छोड़ देंगे कुछ में। मैंने मार्क लगा दिया, जैसे गोल घिया और लंबा घिया का पता नहीं लगेगा क्योंकि जब आएंगे पौधे निकलेंगे तो वो एक जैसे ही निकलेंगे, इसलिए मैंने दोनों को करके देखे। मैंने ऐसे करके इसमें कर दिया, लगा दिया, इन दोनों में मैंने डाला है और एक उसमें, तो उसमें मैंने लिख भी दिया है, ग्रो बैग के ऊपर लिख दिया है। अब मैं इसको छोड़ दूंगी। देखिए जो सीड्स थोड़े से पानी डालने से ऊपर आ गए हैं, उनको हल्का सा दबा के आप नीचे कर दीजिए। ये तो सीताफल के हैं, यदि दिखने लग गए हैं तो बाकी सब सही है। बस अब इनको छोड़ देंगे, देखते हैं, इसमें कम से कम 7 दिन के अंदर इनके पौधे आ जाने चाहिए।